नमस्ते फ्रेंड, घर में ऐसे काफ़ी वेस्ट मटेरियल आते रहते हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंकते रहते हैं, तो उनके आज मैं कुछ एक नहीं दो नहीं पूरे 13 जुगाड़ आपके साथ शेयर कर रहे हूँ। जब भी हम फ्रूट खरीदते हैं तो इनके साथ ये कुछ इस तरह से पैकिंग होके आता है, तो आप इसे बिल्कुल ना फेंकिए। इसके एक नहीं पूरे 3 ऐसे उपयोग मैं आपको बता रही हूँ जो काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगे। घर में कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर ये इस तरह से नुकीला भाग हो जाता है और कई बार हमें इसमें पाँव में लग भी जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से ये जो हमारा फ्रूट प्रोटेक्टर है इसे आप लीजिए, और इसके साथ ही हमें जहाँ पर भी ये इस तरह का भाग है वहाँ पर मैंने यह डबल टेप लगा दी है, और हमने ये जो कट किया है ना बस इसे इसके ऊपर लगा दीजिए और फिर देखिए चमत्कार, आपको बिल्कुल भी इस भाग पर लगेगा नहीं। यहाँ के तरह ही आपके घर में कोई फर्नीचर भी है इस तरह का थोड़ा सा नुकीला धार वाला, तो वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं, और इस तरह से आपका एक बहुत ही प्यारा सा आप कह सकते हैं कि आपने प्रोटेक्टर अपने लिए तैयार कर लिया है। देखिए फ्रेंड कितना आसान है, अब आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं अगर आपका पाँव भी यहाँ पर लग जाता है। दूसरा उपयोग इसका यह है कि हमारे जो ऑयल के या घी के कंटेनर होते हैं उसको आप ये पहना दीजिए, तो ये बिल्कुल आसान है, इसे होल्ड भी अच्छी तरह से होता है, और आप इस तरह से इनका यूज़ तेल और घी के कंटेनर के लिए कर सकते हैं। साथ में तीसरा उपयोग ये है इसका कि हम जब भी बर्तन साफ़ करते हैं तो हमारा जो बर्तन साफ़ करने का रहता है वो अगर तेल वाला गंदा हो जाएगा, तो इसलिए आप क्या करें कि इस तरह से अलग से ही आप ये वाले को लीजिए और इससे पहले आप पूरा साफ़ कर लीजिए, इसी से आप इसे साफ़ करेंगे तो आपका जो मेन आप जिससे साफ़ करते हैं बर्तन वो वाला आपका ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड मैंने आपके साथ कपड़े का ये लीड बनाया था प्रोटेक्टर, तो ये मैंने बाउल के लिए बनाया था, लेकिन देखिए इसका एक जुगाड़ ये भी है कि इस तरह की बड़ी बाल्टी का कोई कवर नहीं है, तो मैं इस पर भी इसे ढक लेती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा सा ये जो है इसे ढक लेता है, तो हमें अलग से कोई और कवर की ज़रूरत नहीं है। साथ में हमारे पास कुछ इस तरह के खलबत्ते होते हैं ना, इसको जब भी हम पीसते हैं तो हाथ इस तरह से रखते हैं फिर भी इधर उधर सब गिरता रहता है, तो आप क्या करें छोटे से कपड़े का टुकड़ा लीजिए और इसे बीच में से इतना ही हमें होल्ड करना है कि जितना हमारे यहाँ ऊपर से ये इसमें अंदर चला जाए। बहुत बड़ा आप इसका जो है होल ना कीजिएगा, थोड़ा सा छोटा सा हमने कटिंग कर लिया और अब हमें इसे क्या करना है इसके बीच में यहाँ इसे पहना देना है, और फिर देखिए अब आपको कोई हाथ रखने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप बड़ी आसानी से अपनी छोटी सी इस अपनी सी खलबट्टे को बहुत अच्छी तरह से पीस सकते हैं, तो है ना बहुत ही काम का और बहुत ही प्यारा सा ये जुगाड़। और फ्रेंड साथ में ये नेपकिन आप देख रहे हैं ना, इसका भी एक जुगाड़ है। ये मैंने आधा नेपकिन का यूज़ तो आपके साथ रोटी मेकर के जो बनाया था उसके लिए किया था, लेकिन देखिए दूसरा जो है ये आधा जो नेपकिन है इसके पीछे मैंने कपड़ा लगा दिया और ये बहुत ही अच्छा सा हमारा हैंड टॉवल रेडी हो गया है। और साथ में मेरे पास ये कुछ इस तरह के पिलो कवर है जो धोने के बाद थोड़ा सा ये सिकुड़ से गए हैं, तो ये यूज़ में नहीं आए ऐसे थे, तो मैंने कहा चलो इसका कुछ नया सा जुगाड़ करते हैं। कपड़ा डबल ही मैंने रखा है और नीचे से मैंने कुछ इस तरह से इसे मोड़ा है और दोनों साइड से और बीच में से थोड़ा सा हम अपने हिसाब से इसे आप जो है मशीन लगा दीजिए। ऊपर के साइड से ये जो भाग खुला है वहाँ पर मैंने सिंपल इसे सिल लिया है, और देखिए ये मैंने कुछ इस तरह से इसे तैयार कर लिया है। डबल है तो आपको कुछ भी लाइनिंग की ज़रूरत भी नहीं है, और इसका उपयोग मैंने क्या किया है साइड में बेड में इस तरह से लगा दिया, तो रात को जब भी आप सोते हैं तो इसमें अपने मोबाइल को चश्मे को बड़ी आसानी से रख सकते हैं अपने पास में, और आपको मोबाइल को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, साइड में इसे इस तरह से रख सकते हैं। अब आप जब भी कोई कपड़े के इस्त्री करते हैं ना तो आपको हमेशा इस बात का डर लगता है कि ये कपड़े जो है वो इस्त्री के साथ चिपक ना जाए, और ये बहुत ही हार्ड होता है, कई बार हमने सिल्क में रखा होता है तो भी ये ख़राब हो जाते हैं हमारे कपड़े, तो आप क्या कर सकते हैं इस तरह से एक न्यूज़पेपर को रख दीजिए और इसके ऊपर आप कीजिए। है ना न्यूज़पेपर तो बिल्कुल बेकार सा हमारे घर में यहाँ वहाँ होते ही है, तो इनका यूज़ आप देख लीजिए। आप इसे रद्दी में फेंकने से अपेक्षा आप इस तरह से इसका उपयोग बहुत आसानी से अपने कपड़ों की आयरन के लिए कर सकते हो, और ये जुगाड़ बहुत ही काम का है, कपड़े जलने का बिल्कुल भी डर आपको रहेगा नहीं। सिल्क के हैं या वर्क वाले कपड़े हैं आपके कुंदन के हेवी कपड़े हैं तो इनको भी आप इसी तरह से आयरन कर सकते हैं। और फ्रेंड मेरे मिस्टर को अभी डॉक्टर ने जो है इस तरह से कसरत करने के लिए ऐसा गोल तकिया बनाने को कहा था, अब जुगाड़ क्या करूँ मैं, तो मैंने कहा चलो इस तरह से मेरे पास तकिया ही था तो मैंने इस तकिए को ही इस तरह से लिया है और यहाँ साइडों से सील कर इसे तैयार कर लिया है, और इस तरह से मैंने ये गोल तकिया तैयार किया है। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, मैंने इसका पूरा वीडियो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो फ्रेंड इसके साथ ही इस तरह के जो मिठाई के बॉक्स होते हैं ना वो हमारे घर में आते रहते हैं, तो ये तरह का जो छोटा सा मिठाई का बॉक्स है इसमें मैंने जो भी एक्सेस हमारे थोड़े थोड़े मसाले बच जाते हैं मैं इन सबको रख लेती हूँ किचन में, तो इसका यूज़ हो जाता है। दूसरा ये प्लास्टिक का बॉक्स है, तो ये प्लास्टिक का बॉक्स काफ़ी मजबूत है, तो इसमें मैं अपने सारे
जो भी हमारे पास मेरे सिलाई के लगते और DIY के सामान होते हैं इसको रखती हूँ। तो ये घारी का बॉक्स है, तो ये प्लास्टिक का भी है और काफ़ी मजबूत है, और साथ में ये सूखे मेवा का बॉक्स है, तो जिसका तो मैंने अभी रिसेंटली आपके साथ आइडिया शेयर किया हुआ था कि मैंने इसमें अपनी सारी अपनी बेटी की ज्वेलरी को रखा हुआ है। तो बहुत ही काम का है ये सारी चीज़, छोटे छोटे बॉक्स, आप इसे फेंके नहीं, वेस्ट समझ कर आप इसे फेंक देते हो, फिर मार्केट से हमें महंगा महंगे कंटेनर खरीदने पड़ते हैं। अब मैंने इसी के साथ जो वॉशिंग लिक्विड की बोतल आती है इसे कट कर लिया है, कुछ लेसिस से इस तरह से डेकोरेट कर लिया है, इसमें आप दवाई रख सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, और ये बहुत ही काम के हैं फ्रेंड। तो आप इस तरह से भी इन छोटे छोटे से कंटेनर को तैयार कर सकते हैं। हम जब भी मार्केट से कुछ खाना लाते हैं तो इसके साथ भी इस तरह के बॉक्स आते हैं। इसको मैंने कुछ कपड़ा लगा दिया है, इसमें मैंने अपने घर की सारी की को रखती हूँ, तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा सा हम इस तरह से भी इसका जुगाड़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड है बहुत छोटे छोटे से ये कंटेनर, लेकिन आप इसे कुछ अलग तरह से डेकोरेट करके बहुत ही अच्छी तरह से अपने घर में इसे काम में ले सकते हैं फ्रेंड। और इसके साथ ही इस तरह की पानी की छोटी सी बोतल है, बस इसको ऊपर से थोड़ा सा मैंने यहाँ साइड में कट लगा दिया है, तो ये मेरा बहुत अच्छा सा गुल्लक तैयार है। जी हाँ फ्रेंड, तो आप इसका उपयोग गुल्लक की तरह कर सकते हैं, आपको बेकार में कोई दूसरे गुल्लक खरीदने की, पैसे इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था कार्डबोर्ड बॉक्स का ये जूट वाला आइडिया, तो फ्रेंड इसमें मैं अपने मिक्सचर को रखती हूँ। ये मिक्सचर का ही बॉक्स था जिसमें ये मिक्सचर आया हुआ था, तो बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्सचर को मैं रख लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड है कार्डबोर्ड बॉक्स, लेकिन कितना काम का है फ्रेंड। और इसके साथ ही ये कलर के जो ये खाली कंटेनर के जो बॉक्स थे, इसका भी मैंने बहुत ही अच्छा सा आपके साथ बॉक्स का आइडिया शेयर किया हुआ है, जिसे आप स्टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं और कंटेनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मेरे पास इतने सारे कंटेनर नहीं है, तो मैं जो भी एक्सेस सामान बच जाता है मार्केट से लाती हूँ, उन सबको मैं इसमें स्टोर करके रख देती हूँ। और इसके ऊपर मैं रख देती हूँ अपना ये वाला बहुत प्यारा सा हमने जो ये तैयार किया है ये बॉक्स, तो देखिए ये हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाता है फ्रेंड्स। इस तरह के जो हमारे पास कैलेंडर होते हैं जिनकी डेट चली जाती है, अब इनका क्या रीयूज़ करें, तो बहुत ही प्यारा सा रीयूज़ है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर इस तरह से एक पेज लगा देती हूँ जिससे ये प्लेन हो जाए, तो ये मैंने स्टेपलर से ही लगाया है। और फिर फेविकॉल की मदद से इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो फॉर्म शीट आती है उसे दोनों साइड लगा दिया है। इस तरह करने के बाद मैं इसका यूज़ आपको बताऊँगी, तो आप बोलेंगे बड़ा ये तो कितना प्यारा सा यूज़ है, वरना तो हम इसे डेट जाने के बाद इसे फेंक ही देते हैं फ्रेंड। इस तरह आपको अगर मेरे ये आइडिया बहुत पसंद आ रहे हैं, आपने इसमें से कुछ नया लग रहा है, तो आप ज़रूर से अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और फ्रेंड अब मैंने क्या किया, इसमें अपनी बेटी की सारी पिन को इस तरह से अरेंज कर लिया है और इसे अब मैं रख रही हूँ ड्रेसिंग टेबल पर। तो देखिए कितना प्यारा था हमारा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी टू यूज़ है। तो है ना फ्रेंड, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन घर को ये भी बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर देती है फ्रेंड। मार्केट में कुछ इस तरह के हैंगर्स मिलते हैं, तो इस हैंगर्स में आप कपड़े को रख सकते हो, तो एक साथ में काफ़ी कपड़े रह जाते हैं। लेकिन ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, 180 में मुझे इसे 5 हैंगर्स मिले थे, लेकिन मुझे ये बहुत सफिशियंट नहीं लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक और आइडिया शेयर करती हूँ कि आप ये क्या कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक के अंदर एक हैंगर्स को डाल दिया है, और देखिए एक साथ में आप बहुत सारे कपड़े को इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेंड, इस तरह के हमारे घर में बहुत सारे ब्लेज़र रहते हैं, इन्हें कैसे रखें फ्रेंड। ये दो ब्लेज़र है और इसको रखने के लिए मैंने यूज़ किया है एक पुराने से टी शर्ट का। कई बार टी शर्ट के कलर थोड़े फेड हो जाते हैं, पहन पहन कर हम बोर हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन्हें बिल्कुल सिंपल, हमें कोई दूसरे ऑर्गेनाइज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसे इस तरह से पहना दीजिए तो आपका ब्लेज़र का कवर तैयार है। इसी की तरह आप जो है शर्ट को भी पहना सकते हैं और शर्ट का भी यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। मैंने ये दोनों ही आइडिया आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप चाहे तो से कवर बनाकर भी इसे लगा सकते हैं। तो इसका भी आइडिया मैंने शेयर किया है। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।